हाय गाइस, वेलकम अगेन इन फ्लाइंग सिविक इन्वेस्टमेंट। तो आज के वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट अनुपम रसायन। तो अनुपम रसायन की लिस्टिंग आज हुई है, और जो कि प्रीमियम लिस्टिंग होनी थी, जो कि अब डिस्काउंटेड लिस्टिंग हुई है। तो अनुपम रसायन का जो शेयर है वो आज ओपन होता है 520 पे, हाई बनाता है 548 का और क्लोजिंग देता है 526 की, जो कि अराउंड 5.08% डाउन है इसके IPO प्राइस से। तो अब इसमें क्या करना है, इसे एवरेज करना है, इसे सेल करना है, लॉस बुक करना है, या इसमें होल्डिंग को बढ़ाना है, या जिनके IPO नहीं लगा था उनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बेसिकली इन सारी बातों पे आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये काम करती हैं, और क्या कुछ इनमें रिस्क है, कितना डेट है कंपनी पे। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे, फिर हम डिसीजन लेंगे कि इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या जिनका IPO अलॉटमेंट हुआ है उनको एवरेज करना चाहिए। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,544 करोड़, 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है ये, और इसका पी जो है 74 है। जो प्रीमियम लिस्टिंग इसकी होनी थी, अगर वैसी लिस्टिंग होती अराउंड +60 रुपीज़, तो इसका पी 100 पहुँच जाता, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा होता। 74 भी अगेन एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे इन्होंने अपने सारे एसेट्स को वैल्यूएट किया है, तो इनका पी 74 वो भी इंडस्ट्री से महंगा नज़र आता है। बेसिकली कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट है लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि एग्रोकेमिकल, पर्सनल केयर और फार्मा इंडस्ट्री में काम आते हैं, और सेकंड है अदर स्पेशलिटी केमिकल, जो कि पिगमेंट, डाई और पॉलीमर बनाने में काम आते हैं। तो बेसिकली ये सप्लायर टू द इंडस्ट्रीज, या इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, खुद उसको कस्टमर तक नहीं पहुंचाती है। तो ये बेसिकली इनका काम है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1984 और वेंट पब्लिक इन 2003, और अभी इनकी IPO लिस्टिंग हुई है। तो अगर पीयर्स जो इसके देखें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, और उनके पी रेशियो का देखें, तो जो PI इंडस्ट्रीज़ है वो 52 के PE पे ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है विद वेरी ग्रेट फंडामेंटल्स। विनति ऑर्गेनिक्स, जो कि अगेन एक अच्छी कंपनी है, 53 के PE पे ट्रेड कर रही है। SRF अगेन एक अच्छी कंपनी है, 33 के PE पे। आरती इंडस्ट्रीज 45, नवीन फ्लोरिन 29 एंड हाइकल 19। तो आप देखेंगे जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट लीडर कंपनीज है वो सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है अनुपम रसायन से। तो ये बेसिकली एक चीज़ है जो कि हमें बताती है कि हमें इसमें करंट इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, और हमें वेट करना चाहिए कंपनी के फर्दर ऑपरेशंस का, और देखना चाहिए कि कंपनी किस टाइप से परफॉर्म करती है। तो जो PI इंडस्ट्रीज़ हैं वह अराउंड 34,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, वो भी अराउंड 52 के PE पे हमें मिल रही है। और जो SRF है वो अराउंड 33,000 करोड़ की कंपनी है, वो भी हमें 33 के PE पे मिलती है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं इन अनुपम रसायन, वी नीड टू वेट फॉर दिस। और जिनको IPO अलॉटमेंट लगा है उनको लॉस में सेल मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए जब उनका प्राइस आए या उनके प्राइस के आसपास वो निकल सकते हैं एक बार। बिकॉज जो मेजर रिस्क है कंपनी के, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हाई PE के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंपनी जो है हाई PE वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और जो इनका इन्वेंट्री कैरियड का जो टाइम है वो बेसिकली ज़्यादा है इसमें, 6 to 7 months का इसमें इन्वेंट्री कैरीड करते हैं ये, जबकि जो इंडस्ट्री एवरेज है वो अराउंड 1 to 2 months का रहता है, कि जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं उनको बाज़ार में बेचने के लिए इनको 6 to 7 months लग जाते हैं, जो कि एक ज़्यादा है। इन्वेंट्री जो टर्नओवर टाइम है वो ज़्यादा है इनके लिए। उसके बाद है वेरी लो R&D एक्सपेंसेस। R&D के जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है, 0.4% ऑफ द रेवेन्यू, वेयर एज इंडस्ट्री एवरेज 3.5%। तो R&D पे ये बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनको इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना होता है बेसिकली, ये रीज़न हो सकता है इसका। बट अगेन वी नीड टू स्पेंड ऑन R&D टू, हमें मार्केट में बने रहने के लिए R&D में खर्च करना इम्पॉर्टेंट है। नो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, तो इनका कोई भी पेटेंटेड प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में नहीं है। और मेजर रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम एक्सपोर्ट, तो इनका अराउंड 62% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो कि अगेन जो करेंसी है उसकी हलचल पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक कंपनी के लिए रिस्क कंसिडर कर सकते हैं।
तो बेसिकली तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जिनको आईपीओ अलॉटमेंट लगा है उनको अपने शेयर्स को लॉस के अंदर सेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो वेट कर सकते हैं। और एवरेज करने की जहाँ तक बात आती है, मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा एवरेज करने के लिए। और जिनको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं लगा है वो अभी फ्रेश शेयर खरीदने से एक बार बचें। और फर्दर कुछ भी डिटेल्स होगी इस कंपनी से रिलेटेड, कुछ अच्छी न्यूज़ या कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ अच्छे टॉपिक्स मुझे दिखेंगे तो ज़रूर मैं इस वीडियो अपलोड करूँगा न्यू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।